कि भगवान ने, आचार्यों ने भी लिखा है इसलिए रोष समन्वित, रोष का देवता रुद्र है, आचार्यों लिखा है रोषाधिष्ठात्री देवः रुद्रः, यानी शिव को के समेत उन्होंने विष को पान किया, इसका आचार्यों ने अर्थ किया है, क्योंकि उसने दुर्जर वीर्य मूलबणम, दुर्जर वीर्य से अर्थ लगाया है जो कालकूट, तो वो सिद्धि थी, दुर्वासा की शिष्या थी, तो इसलिए अघासुर ने उससे भी तीक्ष्ण विष वो पैदा किया मुंह में, और उसको उसके विष भरे मुंह में भगवान घुस गए, और घुस करके उन्होंने जीवित किया। सब मर गए थे, सबको जीवित किया, तो एक तो ये आश्चर्य की बात थी, दूसरा आश्चर्य जो उनको ब्रह्मा जी को हुआ कि भगवान इतने करुणाशील हैं, दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। ये ब्रह्मा जी आए हैं तो उन्होंने अघासुर के मोक्ष को देख करके प्राप्तः परम विस्मयम्, बड़ा विस्मय किया, आश्चर्य किया। ये 10, 13, 15 अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो, अंभो जन्म माने कमल, कमल से जनी मनी उत्पन्न हुई हैं जिनकी, नाभि से कमल हुआ, कमल पे ब्रह्मा, बीच में आए, और जो भगवान मायार्भ अपनी कृपा माया कृपायाम दंभे च, अपनी कृपा से अर्भकस्य बाल लीला कर रहे हैं। ईशुतुर, ईशुतु माने ब्रह्म भगवान के, द्रष्टुम देखने के लिए मंजु महित्वम, अन्य कोई महिमा मई लीला देखने के लिए उन्होंने तत्वसान उनके बछड़ों को, वस्पान मने ग्वाल बालों को नीतवा ले जा करके
अन्यत्र अंतर्दधा ले जाकर के रख दिया अन्यत्र दूसरी जगह और स्वयं गायब हो गए। बोले क्यों? इसलिए पहले से आकाश में आ गए थे। क्यों आए थे? क्या पहले से भी इरादा था चोरी करने का? बोले नहीं, अघासुर मोक्षणम, अघासुर के मोक्ष को देख करके आए थे। तो अघासुर के मोक्ष में दो बातें थीं, एक तो भगवान ने रक्षा किया और कृपाशीलता की स्वयं उसके मुंह में घुस गए ऐसे विष के, उसमें इतने दयालु हैं कि जब देखा कि सब घुस गए तब भगवान ने स्वयं प्रवेश किया उनकी दयाशीलता देख करके ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि भगवान कितने दयालु हैं। अट्ठाईसवें श्लोक में स्वयं भगवान ने विचार किया, कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम, किम कृत्यम, मुझे क्या करना चाहिए जिससे इसकी मृत्यु भी हो जाए। अमीशाम च सताम विहिंसनम, ना ये न मरें। द्वयम कथम स्याद, दोनों बातें एक साथ कैसे हो जाएं? समविचिंत ऐसा विचार करके उसके मुंह में घुस गए भगवान। जब मुंह में घुसे तब देवता हाय हाय करने लग गए। यद्यपि ईश्वर का ज्ञान है किंतु फिर भी भगवान लीला कर रहे हैं, क्या पता जाने क्या लीला कर दें, स्वयं मूर्छित हो जाएं या विषाक्त से। घनच्छदा देवा भया धा हे ति चुक्रुषु, और कंस आदि जो थे, कंस के गुप्तचर बराबर घूमते रहते थे, वो प्रसन्न हो गए। अब बन गया काम, अब कृष्ण मरा। तो इसलिए ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि भगवान ने अपने को खतरे में डाल करके, इतने दयालु हैं, और इधर उसने सोचा कि अब पीस दूंगा दांतों से अघासुर ने,
बड़े बड़े दांत थे। चूर्णम चूर्णी चिकीर्षोर आत्मानम, जैसे ही उसने सोचा कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे दांत हैं, उनसे मैं इसको चूर्ण कर दूंगा, बस उसी समय भगवान ने शरीर बढ़ाया और इतना बढ़ा लिया कि दांत आकर के उनके ऊपर प्रहार करता मौका ही नहीं मिला। निरुद्ध मार्गिणा, गला सांस वांस सब रुक गया। जब किसी को फांसी देते हैं तो यहां फंदा लगा देते हैं, हवा रुक जाती है, उसको छुड़ाते हैं तो आंख निकल आती है बाहर फांसी वाले की। तो उसी तरह से हवा रुक गई, ये हवा के कारण ही पलकें गिरती हैं, ये 10 प्राण में 5 उपप्राण हैं। कूर्म नामक उपप्राण से पलकें गिरते हैं। देवदत्त धनंजय नाग कूर्म कृकरल, ये 5 उपप्राण हैं। कूर्म उपप्राण से पलकें गिरती हैं। तो हवा रुक गई, प्राण की गति रुक गई, पलकें नहीं गिर पाई, तो उसके उद्गीर्ण दृष्टि आंखें बाहर निकल गई। भ्रमतस्त्विता और पलटा लेने लग गया उल्टा, जब मरता है सर्प। प्राण को तो जाना ही है, तो ब्रह्मांड फोड़ करके प्राणवायु निकली। प्राणवायु को, प्राणवायु में बहुत शक्ति होती है, ऐसा लोग कहते हैं। कि एक बार किसी साइंटिस्ट ने परीक्षण के लिए एक ऐसा मोटा शीशे का पिंजरा बनाया था जिसमें से कोई हवा नहीं पास हो सके, तो मरणासन्न व्यक्ति को रखा, वो मर गया। तब उसको पता पड़ा कि उस मोटे शीशे में भी से प्राण निकल गया था। प्राणवायु में इतनी शक्ति होती है। मूर्धन विनिष्पाट्य, अघासुर के मस्तक को फोड़ करके वो प्राणवायु उसकी चली गई। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ उनका कृपाशीलता कितना, भगवान दयामय है। दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। और ये कौन सा श्लोक अभी संख्या बताया था, हाँ अट्ठाईस, तेरह का 15 बताना चाहिए, 13 का 15 है। और आश्चर्य हुआ एक दो जगह आया है। अच्छा, एक आया है
12 के 27 37 में ग्वाल बालों को भी आश्चर्य हुआ है। दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे, तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि भगवान इतने दयाशील हैं, भगवान की दयाशीलता की बात चल रही है। इसको देख करके ब्रह्मा भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। स्वयं कृपा शक्ति भगवान की तृप्त नहीं होती है, उनकी कृपा की आदत देख करके। तो कृपा के प्रसंग में हम ये बता रहे थे कि भगवान चाहते हैं हर जीव हमारे शरण में आवे, जल्दी आवे और अनायास बिना प्रयास के आवे, उसको कुछ करना नहीं पड़े। बिना प्रयास के आवे, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया। असुर मार थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाय भगवत भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। बिना कठिन साधन के, जैसा तीसरे स्कंद में बताया, पांचवें अध्याय में शायद, पाणिनि ते देव कथा सुधाया, प्रवृत्त भक्त्या विशदाशया से 45 आगे क्या है, यथांजसा वीरकुंठ तीक्ष्णम। अंजसा माने सरलता से हमारे धाम में आ जाएं। तो भगवान की कृपा चाहती है कि जीव को कुछ कष्ट न पड़े, आराम से हमारी गोद में आ जाए। अंजसा माने सरलता से, केवल हमारी कथा सुनता रहे, और सब साधन कठिन है। तथा परे इसी के नीचे है 16 हैं 46, तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। दूसरे लोग बलिष्ठ प्रकृति जीव की सबसे कठिन है, प्रकृति को जीतना। वो कठिन काम है। ज्ञानी बनना आसान है, योगी बनना आसान है, और प्रकृति को जीतना बहुत कठिन है। गीता में भगवान ने कहा है तीसरे अध्याय में 33वां है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। ज्ञानवान होना आसान है, लेकिन प्रकृति नहीं जीत सकता ज्ञानी होने के बाद भी। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, निग्रह किम करिष्यति। संयम फेयम कुछ नहीं काम देता है, निग्रह। जिसकी जैसी प्रकृति है, वो प्रकृति काम करा लेती है। ये बात भगवान ने कही, कई जगह कहा है।
तीसरे अध्याय में तो कहा ही है, 18वें अध्याय में भी कहा है कि यदि तू सोचता है कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, तुझे करना पड़ेगा। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्य प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति। भगवान ने कहा कि तू सोच रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये हमारे पूज्य गुरुजन हैं, इनको कैसे मारूं, द्रोण भीष्म। लेकिन तुझको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदंतस्तव सामर्थ्यम। नहीं लड़ेगा तो अवाच्य वादान, जो कहने योग्य बातें नहीं हैं, कहेंगे अरे देख लो नहीं लड़ रहे हैं, वर्ण संकर हैं, इनका पिता और है, पांडु नहीं है, देवता लोग हैं, माता बहन की गाली देंगे। अवाच्य वादांश बहून बहुत तरह की गंदी बातें कहेंगे, जैसे लड़के लड़ते हैं तो माँ की बहन की गाली देते हैं, तो बहुत सी अवाच्य बात कहेंगे, तब तुझे लड़ना पड़ेगा। यद अहंकारम आश्रित्य, अहंकार के कारण कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, दयावान हूं, भीष्म को नहीं मारूंगा, ये जो सोचता है ये नहीं चलेगी तेरी। अवाच्य वादांश जब गंदी गंदी बातें कहेंगे, तब तेरी प्रकृति प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति, कर्म करा लेगी। यही बात भगवान ने भागवत में भी कहा है, एकादश स्कंद में आत्यंतिक क्षेम कैसे होता है, इस प्रश्न का उत्तर दिया है भगवान ने कि देखो जितने प्रकार के कर्म हैं वो तुम, योगेश्वरों ने कहा है ग्यारह दो छत्तीस, सात प्रकार के कर्म होते हैं, कायन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुर्त स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मयी नारायणायति समर्पयेत। शरीर से कर्म, वाणी से कर्म, मन से कर्म, इंद्रियों से, बुद्धि से और आत्मना अहंकार से। अहंकार से तो तू ही सोच रहा है हम दयालु हैं,
भगवान ने कहा यद अहंकार आश्रित्य न योस्य इति मन्यसे, लेकिन अहम से आगे है प्रकृति, वो प्रकृति प्रकृति स्वाम नियोक्षति, वो प्रकृति करा लेगी तेरे से, ज्ञानवान सब सब नष्ट हो जाता है। ये अनुरत स्वभावात 11:2:36 में कहा है, बुद्धि से भी तू मान लो बच गया, आत्मना माने अहंकार, आम भी मान लो तेरा शुद्ध हो गया है, लेकिन जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा वो, तब तक तुझे तेरा बुद्धि बल, तेरा मन का बल, इंद्रियों का बल, जितने बल हैं सब फेल हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानवान है कुछ नहीं फायदा। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान है, बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन बुद्धि से आगे है प्रकृति। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, ये श्लोक सब लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शंकर भाष्य के हिसाब से बोलते हैं। शंकर भाष्य का खंडन किया है यहां पर इस श्लोक में केशव काश्मीरी ने, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। मनसास्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, शंकराचार्य ने तो अर्थ किया है जो बुद्धि से परे है यानी आत्मा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जय शत्रुम महारूप बाहो कामरूपम दुरासदम। केशव जी ने जो अर्थ किया है, बुद्धि से परे क्या है, काम प्रकृति, ये उन्होंने तर्क दिया है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना, बुद्धि से परे उसको जान करके और संस्तभ्य अपने आप से अपने को रोक करके, और फिर तू उस काम रूप दुरासद को मार डाल। तो वहां पर बुद्धि से परे आत्मा है, ये श्रुतियों के प्रमाण से जो शंकराचार्य जी ने अर्थ किया उसका केशव जी ने खंडन कर दिया कि वहां बुद्धि से परे आत्मा नहीं है, बुद्धि से परे प्रकृति है। और ये बात यहां भी मालूम पड़ती है, पाने ने ते देव कथा सुधाया तथा परे चात्म समाधि योगेन बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। क्या संख्या है, 3:3:5:46 प्रकृतिम बलिष्ठाम। स्तुति में कहा गया है सबसे बलवती है प्रकृति। कोई आदमी प्रकृति को जीत भी ले बहुत कठिन है। तथा परे आत्म समाधि योगेन बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम, समाधि लग गई उसकी, समाधि से चित्त निरुद्ध हो गया। निरुद्ध होने के बाद पतंजलि लिखते हैं कि पर वैराग्य की सहज प्राप्ति हो जाती है। वैराग्य के दो भेद हैं, पर और अपर, अपर के चार भेद हैं।
यतमान व्यतिरेक एक इंद्री वशिकार, चार भेद अपर के हैं, लिख लो। वैराग के दो भेद, पर और अपर, अपर के चार भेद। यतमान व्यतिरेक एक इंद्री वशिकार, योग शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। यतमान क्या है? प्रयत्न करना हम साधु बन गए। व्यतिरेक क्या है? और सब इंद्रियां तो काबू में आ गई हैं, अभी कभी कोई खाने की इच्छा हो जाती लड्डू की, एक इंद्री बची है। व्यतिरेक और आदतें तो छूट गई, एक आदत बाकी है हमारी, उसको जीतना है। यतमान से ऊपर चला, व्यतिरेक पर पहुंचा, फिर व्यतिरेक वैराग को पार किया, एक इंद्री हो गया। एक इंद्री में सभी इंद्रियों को जीत लिया। फिर चौथा है वशीकार, बिल्कुल वश में हो गया चित्त, अपर वैराग को पार कर गया। फिर उसके बाद पैर वैराग आता है, वहां कभी गिर नहीं सकता। तो इसलिए मान लो किसी ने पर वैराग को प्राप्त कर लिया, प्रकृति को जीत लिया, चित्त निरुद्ध हो गया, अब उसमें व्युत्थान के संस्कार कभी नहीं आएंगे। संस्कार दो होते हैं योग शास्त्र के अनुसार, एक निरुद्ध संस्कार, एक व्युत्थान के संस्कार। निरुद्ध संस्कार समाधि उमाधि के बाद बनते हैं, निरुद्ध चित्त में, जो कभी कभी चित्त इधर उधर नहीं जाता है, उसमें भी संस्कार बनेंगे। व्युत्थान के संस्कार अलग होते हैं, वो अहम के साथ मिश्रित होकर चलते हैं। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। तो मान लिया जाए यदि किसी व्यक्ति को कि प्रकृति को इसने जीत लिया, जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम तथा परे चात्म समाध योगेन बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम, लेकिन तुम्हारी प्राप्ति होगी, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तेषाम शर्मः स्यात्, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, समाधि, समाधि के बाद चित्त निरुद्ध, और निरुद्ध के बाद फिर व्युत्थान के संस्कार खत्म, निरुद्ध के संस्कार भी खत्म, तब जाके प्रकृति बलिष्ठ को जीत लिया उसने। लेकिन परिश्रम परिश्रम बहुत रहा, समाधि लगाना परिश्रम है, अष्टांग योग परिश्रम है, अपर वैराग को पार करना परिश्रम है, पर वैराग को पार करना परिश्रम है, लेकिन सेवा, आपकी सेवा माने भगवान नाम सेवा, कथा अमृत सेवा, नाम सेवा, कीर्तन सेवा, इन सभी सेवाओं से श्रम नहीं होता है। तो भगवान चाहते हैं कि हमारे जो जीव हैं उनको श्रम न मिले, वो बिना श्रम के हमारे पास आ जाएं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है धाम के महिमा, यह प्रसंग जाने को कोई नहीं जान पाता। यद्यप सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को
धाम का अवतार इसीलिए होता है, जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा, कि आराम से हमारे पास आ जाए बिनहि प्रयासा। कुछ नहीं होता है तो तुम आकर के यहां ब्रज में रह जाओ मर जाओ। चार खान जग जीव प्रकारा अबत तजे तन नहीं संसारा। बोले इतनी श्रद्धा हर आदमी के नहीं होती है, इसलिए कह दिया यह प्रसंग जाने को कू। कोई कोई इस बात को समझते हैं, धाम निष्ठा आसान नहीं है। बहुत से लोग बहुत ऐसी बातें कहते हैं जो नास्तिकों की अपराध की भरी पड़ी। बड़े बड़े भाषण करने वाले कहते हैं धाम में ज्यादा नहीं रहो, वहां अपराध हो जाएगा धाम वासियों का और तुम नुकसान में हो जाओगे। ये सब बातें गलत हैं, नास्तिकता की हैं, अपराध भरी हैं। तुम खुद कमजोर हो, दूसरों को कमजोर बना रहे हो। शतककार ने कहा है एक श्लोक, श्रीमद वृंदावनम त्यजेति यदि कोप्यस्य जिह्वाम छिनदमि। कोई कहता है ब्रज वृंदावन छोड़ दो तो उसकी जीभ काट लेंगे। कहीं कहीं जीभ काटना भी पुण्य है। तासी जी काटिए तासु जीभ जो बसाई, रामायण में श्रवण मूंदी न तो चलिए पराई, संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिए तहां जहां असमर्यादा। बोले उसकी जीभ काट लो, अगर तुम नहीं काट सकते हो तो कान बंद करके भाग जाओ, लेकिन ऐसी बात नहीं सुनो निंदा। उसी तरह से शतककार कहते हैं भले वो कितना बड़ा धर्माचार्य है कोई है, लेकिन कहता है छोड़ दो ब्रज को तो उसकी जीभ काट डालो। श्रीमद वृंदावनम त्यजेति यदि कोप्यस्य जिह्वाम छिनदमि। और उसके बाद जबरदस्ती ले जाता है पकड़ करे तो तम हन्म्यम उसका सिर काट डालो। पैसा नहीं तो चौर्यम कुर्याम धनार्थम, चोरी कर लो यहां। बड़ी बड़ी ऐसी बातें कहे हैं जो हम लोग समझ नहीं सकते। कामम वेश्याम उपयाम, काम सताता है तो वेश्याओं को पकड़ लो, लेकिन न तू चलत पदम हंत वृंदावनान में, मेरा पांव नहीं जाएगा जागेगा जाएगा धाम के बाहर। यदि कोपी बलात् श्रीमद वृंदावनम त्यजेति यदि को बलाप तन्वहम्यवशम, एक लाइन भूल गए हैं, बहुत दिन हो गए। तो यह महिमा जाने को कू, इतनी निष्ठा धाम की शायद कोई जान पाता है कि जहां विकर्म भी कर्म बन जाता है निष्ठा के बल पर। भक्तमाल में अनेक उदाहरण आते हैं, जो विकर्म था वो धर्म बन गया। धर्म की क्या परिभाषा है? भागवत में एक ही श्लोक ऐसा है, सवै पुंसाम परो धर्मो, पहले अध्याय में, पहले स्कंद में, पांचवें अध्याय में, नहीं दूसरे अध्याय में,
तीसरा अध्याय है, एक दो छः, किसी तरह से भक्ति मिल जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो, चोरी करना ही धर्म बन गया भक्तों की सेवा के लिए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, कैसी भक्ति अहितुक व्यवहिता, कारण वाली नहीं अव्यवहित रूबे रोक टोक चलती यह है वो भक्ति। अभी सवेरे ही एक घटना घटी, यहाँ पर हमारे हर नाटक में एक विदेश की हैं, उनको प्रिया कहते हैं हम लोग, वो आती हैं बेचारी और नाटक वाटक का श्रृंगार का सामान लाती हैं। संपन्न नहीं है, गरीब हैं, फिर भी बहुत सा सामान लाती हैं और खर्च पूरा नहीं पड़ता। जाते समय कहेंगे हम होली में आएंगे, जानते हैं कि होली में नाटक होता है, राधाष्टमी पर होता है। तो उन्होंने इनसे पूछा कि पैसा तो चाहिए, किराया भाड़ा आना जाना हिंदुस्तान, और 10 रुपए में टिकट मिलता नहीं, हवाई जहाज में तो बहुत पैसा लगता है, और फिर आते समय सामान लाना पड़ता है, तो कुछ पैसे के लिए उद्यम करना चाहिए। तो क्या करते हैं वो, क्या खोला है, कैटरिंग कोई चीज है, वहां बना बनाया भोजन दे दो और लोग खरीद लेते हैं, उनको टाइम नहीं है। तो बोले कैटरिंग हम खोल लें और उसका नाम पूछ लो बाबा से क्या रखें। तो मतलब यह है कि स्वीकृति मिल जाए, तो हम समझ गए कि इनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य है किसी तरह से हम आर्थिक सेवा कर सकें, लक्ष्य अच्छा है। हमने कि कैटरिंग का नाम रख दो लड्डू गोपाल कैटरिंग पहले नाम से पता पड़ जाएगा कि लड्डू हैं इसमें। तो इस बात पर कहा सवई पुंसाम परो धर्मो, भगवान के लिए जो भी तुम करोगे अपने लिए करोगे वो गलत है। भगवान चोरी करते हैं, क्यों करते हैं? प्रथम करी हरि माखन चोरी, बड़ा सुंदर पद है। पहली पहली बार चोरी किया उन्होंने ब्रज में आकर के, दया ने उनको चोर बना दिया। नित्य धाम से आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे कि चोरी करेंगे, ये पद बता रहा है कि पहली बार चोरी की है उन्होंने। बोले क्यों किया आपने चोरी? बोले ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, ग्वालिनी चाहती थी कि हमारे घर में आवे, हमारे घर में आवे। राजा का बेटा कैसे आ सकता है सबके घरों में? राजा के बेटा को बुलाओगे, नंद बाबा राजा हैं, तो राजा का बेटा ऐसे नहीं आएगा गली गली। तो उन्होंने सोचा राजा का बेटा रहूंगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अब बिना बुलाए किसी घर में नहीं जा पाऊंगा, बिना बुलाए कौन जाता है? चोर। इसलिए चोरी करना सीखा उन्होंने, दया ने उनको चोर बना दिया। चोर को कोई बुलाता नहीं है, आओ चोर महाराज,
चोर से सब घबराते हैं। तो बोले इस तरह से मैं हर ग्वालियर की इच्छा पूरा कर सकूंगा, इसके लिए हमें चोर बनना जरूरी है। सूरदास जी लिखा है, ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, उसकी इच्छा पूरी किया, चोर बन करके गए। प्रथम करी हरि, प्रथम पहली बार उन्होंने चोरी किया। अब चोरी किया तो चोर की तरह पूरा काम करना पड़ेगा। चोर चोरी करके रुकता नहीं, भागता है। वहां अगर चोर खड़ा रहे तो मारा जाएगा। जो भी चोर होगा चोरी करेगा भागेगा। तो भगवान ने सोचा भाग जाओ, अब तुम चोर बने हो तो चोर ही बनो, रियलिटी में चोर बनो। ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। बोले कहां भागे? जैसे चोर जो भागता है तो क्या करता है, चोरी करके तुम्हारा बैग छोड़ा के भागा तो जिसका बैग छूटता है, पकड़ो चोर पकड़ो चोर, तो वो होशियार है, वो भी कहता है पकड़ो चोर पकड़ो चोर, वो आगे गया आगे गया। तो इस तरह से चिल्लाने लग जाता है, वो तो बच जाता है। तो ठाकुर जी भी बोले भाग भजे ब्रज की खोरी, गलियों में भागे कि वहां पर हम भी कहेंगे उधर गया उधर गया चोर, उधर गया उधर गया चोर। अब पूरा एक्टिंग करना है ना। ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे हरि ब्रज की खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। फिर सोचा कि माखन चुरा करके भागे हैं, भाग तो आए हैं और चोरी में हम सफल रहे, पकड़े नहीं गए। भाग गए, अब क्या करें? तो जैसे बिल्ली को सिकहर कहते हैं जो ऊपर टांगा जाता है, एक बार सिकहर पे कुछ खाने को मिल जाएगा तो बिल्ली फिर जब आएगी ऊपर ही देखेगी कि कुछ है यहां, तो ऊपर एक कूदती है। तो उन्होंने भी सोचा कि हमने सफलता प्राप्त किया, क्यों चोरी किया? दया के कारण। ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, तो मन में यह विचार करत हरि। अब बिल्ली के सुकहर पे मिल गया एक बार दूध, तो बिल्ली सोचती है अब रोज चलेंगे और इसी घर में ऊपर उछलेंगे, वहां कुछ न कुछ मिलेगा। तो श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं कि अब ये रास्ता ठीक मिल गया हमको, फॉर द फर्स्ट टाइम चोरी किया था, प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब उसको बिल्ली को एक बार मिल गया तो रोज सिकहर पर जाती है। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब गाऊं। बहुत बड़ा ब्रज है, अब कोई गांव नहीं छोड़ूंगा, कोई घर नहीं छोड़ूंगा, इतने बड़े चोर बन गए। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब गाऊं। और गोकुल लियो गोकुल जन्म लियो, यही कारण घर घर सब माखन खाऊं। एक आध शब्द भूल गए होंगे, घर घर माखन खाऊं। ये विचार कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्रज है, अब सब ब्रजवासियों का कोई घर कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, इसलिए चौर जार शिखा मणि बन गए, ऐसा बड़ा कोई चोर नहीं भया आज तक। महादेव जी ने भी मान लिया लोहा कि चौर जार शिखामणि, इतना बड़ा कोई चोर नहीं हुआ जिसने कोई गांव नहीं छोड़ा कोई घर नहीं छोड़ा। उसको सूरदास जी लिखते हैं, मन में यह विचार करत हति ब्रज घर घर सब गाऊं।
और सबको गोकुल जन्म लियो यही कारण सबको माखन खाऊं। फिर प्रश्न आया कि यशोदा जी क्या करेगी, फिर तुम घर घर चोरी करोगे तो फिर माँ बाप की मुश्किल हो जाएगी, रोज उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। बोले उसकी चिंता नहीं, बाल रूप जस मत मोहि जाना, मैया के आगे तो मैं छोटा ही से रहूंगा। वो विश्वास ही नहीं करेगी कि चोर हमारा लड़का चोरी कर सकता है। बाल रूप जस मत मोहि जानो जाने, और बाल रूप जस मत मोहि जाने, हाँ गोपिल मिल रस भोगूं, ठीक है मिल गया, गोपियों के साथ युवा बन जाऊंगा। ये रसिया गाते हैं, देखन में ये बारों लागे छट झट बड़ो है जाए, ये ब्रिजवासी गाते हैं और ये ग्रंथों में भी गाया गया है। बाल रूप जस मत मोहि जानो जाने, गोपिन मिल सुख भोगो, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो घेरो रे ब्रज लोगों। अरे गोपियों हमको घेर लो, अब तुम्हारे लिए हम भोग्य बन गए, तुम्हारे लिए बिना प्राय बिना कहे आएंगे, तुम्हारे बिना घर बुलाए आएंगे, चाहे जब आ जाएंगे, रात में आ जाएंगे, दिन में आ जाएंगे। चोर को कोई बुलाता नहीं है, चोर का कोई टाइम नहीं होता है कि कई बजे आएगा, चोर तो चाहे जब आ जाएगा चाहे जब चला जाएगा, चोर है। तो इसलिए भगवान ने ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, गोपियों की इच्छा से चोरी किया, और घेरो रे ब्रज लोगु, हे ब्रजवासियों हमको लूट लो, हम बहुत सरल हो गए हैं, तुम्हारे घर बिना बुलाए आएंगे, और रात में आएंगे, दिन में आएंगे, सवेरे आएंगे, चाहे कहीं भी आ जाएंगे। हाँ पद याद आ गया, गोकुल जन्म लियो सुकारण सबके माखन खाऊं, इस पद को गीता प्रेस वालों ने भी छापा है। सूरदास प्रभु कहत प्रेम से पाठ भेद है, घेरो रे ब्रज लोगो, ये बदल दिया, ये मेरे ब्रज लोग ज्यादा बढ़िया है जो हम गाते हैं। बाल रूप जस मत मोहि जानो, गोपिन मिल सुख भोगू, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो घेरो रे ब्रज लोगों, ये पाठ ज्यादा अच्छा है। ग्रंथों में यही गाया गया है, सूरदास जी के बहुत से पद हैं, जैसे राधा सूदानिधि में भी गाया गया है, एकदम से श्री कृष्ण बड़े हो गए, जैसे अघासुर के प्रसंग में एकदम से विशाल शरीर धारण किया। श्रीमद राधे श्लोक संख्या लगभग 178 के आसपास है या 168 होगा। श्रीमद राधे त्वमथ मधुरम श्री यशोदा कुमारे प्राप्ते कईरुषो रकमति रसाद वल्ग से साधु योगम। श्री जी से कह रही है एक सखी, तुम भी जवान हो गई हो, कैशोरक अवस्था को प्राप्त हो गई हो, मधुर इत्थम राधे मह से कथया नित्य लीला वयश्री जाता वेशा प्रकट सहजा किन्नु दृश्या किशोरी। इतना कहते मान श्री जी के भी शरीर में यौवन के सब अंग उभर आए और नित्य यौवन प्रकट हो गया, किशोर लीला शुरू हो गई।
तो इस तरह से भगवान की दया, भगवान की कृपा के कारण ही भगवान ऐसी चोरी या लामपट्ट आदि करते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम रास पंचाध्यायी में 33:34-36 है, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह मानुषिर्थ भजते तादृशी क्रीडा। सूरदास जी नहीं, सुखदेव जी भी यही बात कह रहे हैं, वैसी क्रीडा करते हैं जिससे सुनकर के मनुष्य तत्पर हो जाएगा। तो भगवान चाहते हैं अनायास परिश्रम न पड़े जीव को और जल्दी से आ जाए। जल्दी के प्रमाण हमने पहले दिए हैं, श्रम स्याद न तु सेवे आते, और अचिरेण कई बार हमने प्रमाण दिया है, अचिरेण बहुत जल्दी स्वयं भगवान ने कहा है इस बात को। शृणुतः स्वकथाम नित्यम, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो या भद्राणी विधनोति सुदृढ़ सताम। स्वयं उसके हृदय को जाके साफ करते हैं भगवान, और श्रवता श्रद्धया नित्यम 2:8-4, श्रवता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सुचेष्टितम। बोले तुम कुछ मत करो, नित्य उनकी कथा लीला सुनते रहो, बाकी सब काम भगवान कर लेंगे। बोले क्या करेंगे, तुम्हारे हृदय में चले जाएंगे। कालेन नाति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगेगा, अति दीर्घ काल नहीं लगेगा। भगवान विषते हृदि, भगवान जाके क्या करेंगे, सीधे तुम्हारे भाव कमल पे जाएंगे, यानी चित्त पर। चित्त में ही भाव पैदा होता है। प्रविष्ट करण रंध्रेण स्वानाम भाव सरूरिहम धुनोति शमलम कृष्ण, सारी गंदियों को दूर कर देंगे। सलिलस यथा शरीर तु सोई जस गाय भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तरह तनु धरही। इसीलिए धाम का अवतार होता है। अभी धाम का प्रसंग चलेगा, 10 बज गए, नहीं तो और अभी और कुछ कहने वाले थे। चलो कल कहेंगे।